बुरहानपुर जिले में विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में लगभग 8,000 के करीब प्रकरण पहुंचे, जिनका निराकरण लगातार किया जा रहा है, जिसके लिए करीब 12 खंडपीठ बनाई गई, जिसमें विद्युत, आपराधिक, सिविल समेत अन्य प्रकरणों को रखकर समझौते किए जा रहे हैं, जिसमें अधिकांश प्रकरणों का निपटान कर राशि वसूल की गई है। वहीं इस लोक अदालत में अनूठी पहल भी देखने को मिली है, जहाँ कई पक्षकारों के साथ साथ अधिवक्ताओं ने भी रक्तदान किया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार हर 3 माह में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। आज हमारे यहाँ इसके लिए 12 खंडपीठ बनाई गई हैं, जिनमें सिविल मामले, आपराधिक मामले, विद्युत मामले, हर तरह के मामले जो राजीनामा योग्य हैं उनका निराकरण किया जा रहा है। लिटिगेशन के 1740 मामले रखे गए हैं और प्री लिटिगेशन के लगभग 7,500 मामले रखे गए हैं। पक्षकारों का, विभिन्न विभागों का और हमारे अधिवक्तागण का बहुत सहयोग रहा है। और बुरहानपुर वृत्त द्वारा 150 केस लिटिगेशन के हैं तथा प्री लिटिगेशन के 115 केस हैं। इनमें से शहर संभाग के 71 केस हैं और ग्रामीण संभाग के 191 केस हैं। और ग्रामीण में निगोला है, ग्रामीण है, लोनी है, अखनार है, निगोला है, शाहपुर है, जैसे अन्य वितरण केंद्र हैं ग्रामीण क्षेत्र के, जहाँ के लोग आ रहे हैं, जिनको नोटिस जारी किए गए हैं कोर्ट के द्वारा, वो आकर अपने समझौता करके यहाँ पर प्रकरण में अपना प्रकरण निराकरण कर रहे हैं। सर, लगभग